बजट के बाद से अब तक शेयर बाजार में ज्यादातर वक्त मंदी का रुख रहा है। इस दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों के शेयरों में भारी नुकसान देखने को मिला है। केंद्र बजट के बाद से शेयर बाजार में ज्यादातर वक्त मंदी का रुख रहा है। इस दौरान सरकारी बैंकों के शेयर बुरे हाल में रहे। बजट के बाद से निफ्टी 50 इंडेक्स में 7.5% की गिरावट देखने को मिली है और बैंक निफ्टी में 10% की कमी आई है। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 9% और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 21% से अधिक फिसले हैं। सरकारी क्षेत्र के कई ऐसे बैंक भी हैं जो बजट के बाद से ही खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इलाहाबाद बैंक और कैनरा बैंक के शेयर में 17-30% तक की गिरावट देखने को मिली है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर बजट के दिन 5 जुलाई को 370.60 रुपये था, जो 19 अगस्त को 286.55 तक गिर गया। इसी तरह पंजाब नेशनल बैंक का शेयर 5 जुलाई को 81.80 रुपये था, जो 19 अगस्त तक गिरकर 67.45 रुपये रह गया। तीसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर बजट के दिन 130.40 रुपये था, जो 19 अगस्त तक 102.65 रह गया। प्राइवेट सेक्टर के बैंकों की बात करें तो सबसे ज्यादा बुरा असर रत्नाकर बैंक लिमिटेड पर पड़ा है। इसके शेयर में 40% तक की गिरावट देखने को मिली है। वहीं सिर्फ कोटक महिंद्रा और IDFC प्राइवेट बैंकों के शेयर सकारात्मक रहे। वहीं अगर जून महीने के क्वार्टर की कमाई की बात करें तो SBI, यस बैंक, ICICI बैंक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। एरिका ब्राक्टा, गो न्यूज़।